10 साल का बालक राधा नाम की महिला के घर के गेट के पास आकर घर की तरफ देखकर फिर से लौट रहा था। राधा ने सोचा शायद उसे कुछ चाहिए, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। इतनी देर में वो बालक फिर से आया। ऐसा 2-3 बार हुआ तो राधा खुद गेट पर गई और उससे पूछा, क्या बात है, क्यों बार बार देखकर जा रहा है, बता नहीं तो पुलिस को बुला लूंगी। बालक ने धीमी आवाज में बोला, आंटी जी क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? राधा को लगा ये कोई चोर भी हो सकता है, क्योंकि अनजान बालक पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। इसलिए राधा ने कहा, नहीं हमें गार्डन साफ नहीं करवाना। इस बार बालक की आंखों में आंसू थे और वो हाथ जोड़ते हुए दयनीय स्वर में बोला, प्लीज आंटी जी प्लीज करवा लीजिए, मैं बहुत अच्छे से साफ करूंगा। राधा समझ गई कि शायद इसे पैसों की जरूरत है। बोली, अच्छा ठीक है। वो बोली, कितने पैसे लेगा? तो बालक बोला, पैसे नहीं आंटी जी, आप बस खाना दे देना। राधा बोली, ठीक है अच्छे से काम करना। राधा ने मन ही मन सोचा, लगता है बेचारा बहुत भूखा है, पहले खाना दे देती हूँ। राधा खाना लेकर आई, बोली, ले लड़के पहले खाना खा ले फिर काम करना। बालक बोला, नहीं आंटी जी पहले काम कर लूं फिर आप खाना दे देना। ठीक है, कहकर राधा अपने काम में लग गई। करीब 1 घंटे बाद आवाज आई, आंटी जी एक बार देख लीजिए सफाई अच्छे से हुई कि नहीं। राधा बोली, अरे वाह तूने तो एकदम अच्छे से सफाई कर दी, गमले भी एकदम सही से जमा दिए। खुशी से बोली, यहाँ बैठ मैं खाना लाती हूँ। जैसे ही राधा ने उसे खाना दिया तो बालक जेब से थैली निकालकर उसमें खाना रखने लगा। तो राधा बोली, भूखे काम किया है अब खाना तो यहीं बैठकर खा ले, जरूरत होगी तो और दे दूंगी। बालक बोला, नहीं आंटी। राधा को लगा कुछ तो गड़बड़ है और फिर से पूछा, क्यों लड़के? बालक जवाब नहीं दे रहा था तो राधा ने गुस्से से पूछ लिया, बता कहाँ लेकर जा रहा है ये खाना और क्यों कर रहा है ये सब, वरना तुझे अभी के अभी पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, लगता है तू घर से भागकर आया है, बोल जवाब दे। इस पर बालक बोला, अरे आंटी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, मैं बताता हूँ लेकिन आप वादा कीजिए पुलिस को नहीं बुलाएंगे। राधा बोली, लगता है तूने कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है, सच सच बताएगा तो छोड़ दूंगी। फिर बालक ने जो जवाब दिया सुनकर राधा की आंखों से जैसे आंसुओं की धारा बहने लगी। बालक रोते हुए बोला, आंटी मेरी माँ घर पर है, वो बहुत बीमार है, मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन एक छोटी बहन है और सरकारी अस्पताल से माँ के इलाज के लिए दवा तो मिल गई है, पर डॉक्टर साहब ने कहा है कि दवा को खाली पेट नहीं लेना है और घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है, इसलिए ये खाना माँ के लिए लेकर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही राधा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। राधा ने बालक से माफी मांगी और बालक की निष्ठा और माँ के प्रति प्रेम के लिए उसे 500 रुपए दे दिए। बालक बोला, नहीं आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं है। राधा हंसते हुए बोली, ले ले चुपचाप वरना अब पक्का पुलिस को बुला लूंगी। बालक 500 रुपए और खाना लेकर अपने घर की तरफ भागा। दोस्तों कई बार हम लोगों को पहचानने में जल्दबाजी कर देते हैं, आजकल तो माता पिता को आश्रम में रख दिया जाता है, लेकिन यदि इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति इस बालक की तरह हो तो शायद विश्व में कहीं पर भी वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं रहेगी। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।